हेलो एवरीवन, माय सेल्फ आशीष कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट को। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर मतलब क्या होता है, जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं वही दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो सारे नंबर्स के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले इसका हम लोग को इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इंट्रोडक्टरी पार्ट। उसके बाद पढ़ना है हम लोग को यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। फिर पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। उसके बाद हम लोग को रिविजिटिंग इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद इस चैप्टर का पूरा समरी होगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि जो भी नंबर होते हैं, हम लोग सुने होंगे बहुत अलग अलग टाइप के नंबर, जैसे कि रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फिर इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो सारे के बारे में अभी एक बार हम लोग ब्रीफ में पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है ये सब नंबर। सबसे पहले देखिए रियल नंबर क्या होता है। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर तो हम लोग बोल रहे हैं कि जितना भी रेशनल और इरेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो देख लीजिए रेशनल नंबर के बारे में पहले। रेशनल नंबर वैसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखा सकते हैं, जहाँ की क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि कुछ भी हो गया, फाइव हो गया, तो देखिए फाइव, फोर, थ्री, थ्री बाई टू, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। क्योंकि 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 बाई 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे, जैसे कि हम लोग का रूट 8 हो गया, ये सब हो जाता है इरेशनल नंबर। इसके बारे में देखिए, रियल नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। वैसा रियल नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे कि रूट्स ऑफ प्राइम्स लाइक रूट 2। अब देखिए रूट 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 8 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो 8 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 4 जा 2 2 जा, मतलब 2 रूट 2 लिख सकते हैं। तो इसमें जो रूट 2 आ गया, ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो ये सब क्या है, इरेशनल नंबर होता है। अब देखिए इंटीजर क्या होता है। इंटीजर हम लोग बोलते हैं जब कोई नंबर, जैसे कि नेचुरल नंबर हो गया और होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता था, 1 से स्टार्ट होता था और होल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाता था। तो होल नंबर का जब नेगेटिव भी हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, जीरो के बाद क्या होता है, नेगेटिव में इंक्लूड करेंगे तो -1 -2, तो ये सब इंटीजर में आ जाता है। इंटीजर में होल नंबर, ऑल होल नंबर, नेचुरल नंबर, सबको हम लोग इंटीजर बोल सकते हैं। तो चलिए इसके बाद और आगे हम लोग देखते हैं, व्हाट आर नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होता है, ये सब हम लोग पहले देख लेते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स, जो भी काउंट करने वाला नंबर होता है, जैसे कि 1 से। नेचुरल नंबर हमेशा क्या से शुरू होता है, 1 से स्टार्ट होता है। और होल नंबर क्या हो गया, 0 अलोंग विथ नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 में जब हम लोग 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर। इसके बाद आता है हम लोग का इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है, या फिर उसका लास्ट में 2 4 6 8 या फिर 0, यही सब डिजिट, अगर यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कहने का मतलब वंस प्लेस में जब ये नंबर रहेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे इवन नंबर। इसके बाद आते हैं हम लोग ओड नंबर में। ओड नंबर क्या होता है, जो 2n-1 के फॉर्म में होता है, मतलब कहने का मतलब अगर n के जगह में 1 रखे तो 2 1 2 -1 1 आ गया, 1 3 इस टाइप से आएगा। तो और इसको अलग अलग में हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता है, उसको हम लोग बोलेंगे ओड नंबर। इसके बाद प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होना चाहिए, और वैसा नंबर जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक 1 और एक हो द नंबर इट्सेल्फ, 1 और द नंबर इट्सेल्फ, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि देखिए दो ही फैक्टर होता है, जैसे कि हम लोग अगर 3 बोले, 3 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या, 1 और इसका फैक्टर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इसके अलावा कोई नहीं आ रहा। अगर 4 को बोले, 4 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या बोलेंगे, इसका फैक्टर हो जाएगा 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और 4 से जाएगा। तो देखिए 1 और नंबर इट्सेल्फ, 4 के अलावा कुछ आ रहा है ना, तो इसको प्राइम नंबर हम लोग नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग
कंपोजिट नंबर बोलेंगे। सो इसके बाद हम लोग का कॉन्सेप्ट आता है कंपोजिट नंबर का। कंपोजिट नंबर क्या होता है? द नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय वन इटसेल्फ एंड अदर नंबर। तो वन वन इटसेल्फ के अलावा अगर कोई भी इसका फैक्टर आता है तो हम लोग उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो यही इसमें बताया गया है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि जितना भी नेचुरल नंबर होता है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? होल नंबर बोल सकते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। जितना भी नेचुरल नंबर होता है उसको हम लोग होल नंबर बोल सकते हैं। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। अब क्या होता है, जितना भी होल नंबर होता है वो क्या होता है? इंटीजर होता है। मतलब देखिए होल नंबर क्या हो रहा है, जीरो वन टू डॉट 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 पूरा जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो ये सब क्या आता है? ये सब इंटीजर में आता है। इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, जितना भी होल नंबर होता है वो सब इंटीजर होता है। इसके बाद बताया गया है ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। अब जितना भी रेशनल इंटीजर होता है उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखा सकते हैं। जैसे कि माइनस वन, माइनस वन को हम लोग लिख सकते हैं माइनस वन बाई वन वन। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक रेशनल नंबर है। अब देखिए ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, और जितना भी रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है? रियल नंबर होता है। अब हम लोग को जो इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? तो इसमें हम लोग का एक थ्योरम दिया हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही एनसीईआरटी में। तो उसमें वो क्या बोलता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, अगर हम लोग को कोई पॉजिटिव इंटीजर ए और बी दिया हुआ है, ए और बी, सच दैट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग। तो क्या होता है, अगर ए को डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में रहेगा, जहाँ पे क्यू जो है, जो आर जो है रिमाइंडर, रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, जीरो और बी के बीच में रहेगा। तो देखिए रिमाइंडर क्या होगा, जीरो से बड़ा रहेगा या फिर इक्वल टू रहेगा और बी से हमेशा छोटा रहेगा। तो जैसे कि आप लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं, अगर ए और बी के जगह में 13 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं, अगर हम लोग 13 को हम लोग लिख सकते हैं, 13 को 4 इंटू 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 1। तो इसका आगे फर्दर हम लोग एच सी एफ निकालने के लिए यूज करते हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद। तो देखिए लेमा क्या होता है, लेमा इज एसेंशियली इक्विवेलेंट। तो ये इक्विवेलेंट होता है डिविजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर, जो हम आपको बताए डिवाइड करके वही बताया जा रहा है। इसके बाद हम लोग आते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम होता है, आप लोग कंप्यूटर सब में भी पढ़े होंगे, एल्गोरिदम होता है स्टेप बाय स्टेप पेपर प्लान फॉर सॉल्विंग एन गिवन प्रॉब्लम। मतलब कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो काम करते हैं उसी को एल्गोरिदम बोलते हैं। तो देखिए अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इज मेथड। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, एक मेथड है एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। कोई भी नंबर ए और बी अगर रहेगा, जैसे कि हम लोग को यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, तो पहले देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं लेमा के बारे में। लेमा क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है यूज फॉर प्रोवाइडिंग अनदर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब कोई भी दूसरा स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जो हम लोग प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट को लेते हैं उसी को हम लोग लेमा बोलते हैं। वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड टू इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ की ये होता है। तो ये सब हम लोग लेमा का यूज़ करते हैं फाइंड आउट करने के लिए। इफ़ आर इज इक्वल टू जीरो, अगर आर हम लोग जीरो आ जाता है तो जो सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका एच सी एफ बोलते हैं। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से जब करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। द एवर मेथड इज रिपीटेड अनटिल रिमाइंडर इज जीरो, और इस मेथड का हम लोग लेमा को यूज करते जाते हैं जब तक हम लोग का रिजल्ट जीरो नहीं आता है। जिस केस में जीरो आता है उसी को हम लोग उसका एच सी एफ कंसिडर करते हैं। तो देखिए इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसका एग्जाम्पल से कंसिडर करते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल ले लिए, एच सी एफ हमको फाइंड आउट करना है इतना और इतना का। सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों में से बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना, ये वाला बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4052 से अगर इसको डिवाइड करते हैं, देखिए 12576 इसको अगर डिवाइड करते हैं 4052 से, तो देखिए 4000 और यहाँ पे 12000 है, लगभग 3 टाइम्स में करीब जाएगा। तो 3 टाइम्स में अगर करते हैं तो क्या आता है, 3 2 6 3 5 15 carry 1 3 4 12
तो आप देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 6 में 6 0, 7 में 5 2, 5 में 1 4, तो देखिए हम लोग को क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 420 मिल रहा है और 3 टाइम्स में। तो इसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हम लोग लिख दिए हैं। अब देखिए अब क्या करना है, अब हम लोग को रिमाइंडर 0 नहीं मिला, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंस रिमाइंडर हम लोग का क्या है 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग फिर स्टेप को फर्दर आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए अब क्या करना है, 4052 को इससे डिवाइड करना है, जो हम लोग का रिमाइंडर मिला है उसको इससे डिवाइड करना है। देखिए 420 से डिवाइड कर देना है 4052 को, तो इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो लगभग ये 9 बार में लगभग जाएगा और 272 फिर रिमाइंडर देगा। अब रिमाइंडर देगा फिर रिमाइंडर को इससे 420 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए इसमें भी हम लोग को क्या है 420 एंड न्यू रिमाइंडर 272 आया। फिर हम लोग लिमा का अप्लाई करेंगे तो 272 इंटू 1 प्लस 148 फिर रिमाइंडर आएगा, फिर फर्दर स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। ये तब तक करेंगे जब तक हम लोग का रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। तो अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट केस में क्या आया, हम लोग का रिमाइंडर 0 आ गया। अब 0 आया, 0 कब आया वो देखना है, 0 जब हम लोग 4 से उसको डिवाइड किए तो 4 उसका क्या हो गया, HCF हो गया। देखिए एट दिस स्टेज द HCF जो हो गया इसका और इसका वो क्या हो गया, 4 हो गया। तो इस टाइप से आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आपको HCF फाइंड आउट करना होगा। नोटिस दैट 4 इज इक्वल टू HCF, 4 HCF किसका है 24 और 4 का, इज इक्वल टू HCF ऑफ, तो ये 4 जो है वो HCF है 4 और 24 का भी होगा, और जो फर्दर स्टेप बाय स्टेप में लिए थे वो सबका HCF होगा। वही बताया जा रहा है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इज नॉट ओनली यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग HCF, और इसका हम लोग यूज सिर्फ और सिर्फ HCF फाइंड आउट करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि बट ऑल्सो बिकॉज इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गोरिदम दैट कंप्यूटर्स हैड बीन प्रोग्राम। ये इसके बारे में इसलिए भी बताया जा रहा है कि ये जो है ये सबसे शुरुआती दौर का एक प्रोग्राम बनाने में इसका यूज किया जाता था, वही बताया जा रहा है। और एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि कोई एक दो नंबर है ए और बी, अगर दो नंबर है तो प्रोडक्ट ऑफ जो नंबर होता है ना ए इंटू बी इज इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM। इससे रिलेटेड बहुत सारा जनरल 10th 12th लेवल का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है बहुत सारा प्रॉब्लम आता है मैथ्स में, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी बहुत सारा आता है। अब देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये क्या बोलता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये क्या कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर अगर हम लोग ले रहे हैं, कंपोजिट नंबर कहने का मतलब जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा रहता है, मतलब 1 और द नंबर इटसेल्फ के अलावा और कोई फैक्टर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, तो उसको हम लोग प्राइम के रूप में दिखा सकते हैं, फैक्टर ऑफ प्राइम के रूप में। यूनिट अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर विच दे अपीयर्स। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, टू लोकेट HCF एंड LCM ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव इंटीजर, इसका हम लोग यूज करते हैं HCF और LCM निकालने के लिए। और एक फॉर्मूला बताया गया है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इसको एकदम याद रखिएगा हमेशा काम आता है। तो जैसे कि अगर हम लोग को कोई एग्जांपल है, एग्जांपल ले लेते हैं, हमको फाइंड आउट करना है 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF निकालना है। तो देखिए 6 और 20, 6 को अगर फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, हम लोग सबसे पहले छोटा से छोटा प्राइम नंबर लेंगे फिर उससे बड़ा लेंगे, मतलब डिवाइड करते जाएंगे। तो देखिए सबसे छोटा क्या है, 2 से जा रहा है, 2 3 जा 6, अब देखिए नहीं जा रहा है, 3 1 जा 3, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 1, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 1, और इसी टाइप से 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5, इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए इस पार्ट को, ये गलत लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग को इस केस में अगर हम लोग को 6 और 20 का फैक्टर अगर हम लोग को मिल गया तो हम लोग को अगर LCM निकालना है, LCM का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब अगर HCF निकालना है तो देखिए इसमें HCF में हम लोग को कॉमन निकालना होता है। देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या क्या है ये देखिए, इसमें क्या है, इसमें 2 इसमें भी है इसमें भी है, अब इसमें 3 है नहीं है, तो इसका जो HCF हो गया, HCF क्या हो गया, HCF हम लोग का 2 हो गया। अब LCM देखिए, LCM क्या है, दोनों में 2 कॉमन है तो दोनों 2 में से एक ही 2 को लिखेंगे, अब कोई कुछ चीज़ कॉमन है नहीं कॉमन है, तो अब देखिए अब 3 बच गया, इंटू 3 करेंगे, फिर और क्या बच गया, इसमें 2
इंटू फाइव, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी, सिक्सटी क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया, एलसीएम हो गया इसका 60, यही बताया जा रहा है। तो ये सब आप ऑलरेडी पहले के क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, ये बात बताया जा रहा है। नोट दैट एचसीएफ ऑफ 620, सीएफ आया था हम लोग का 2 आया था, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर। तो इसमें देखिए, इसमें जो 2 है, 2 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1 है, और इसमें भी 2 का स्मॉलेस्ट पावर 1, इसलिए हम लोग लिए थे HCF फाइंड करने में सबसे पहले 2 का पावर 1 इंटू, और कुछ कॉमन नहीं ना था इसीलिए हम लोग इंटू 1, तो हम लोग को 2 HCF मिला था, यही बात बताया जा रहा है। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर। अब देखिए LCM क्या था, LCM था 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू हम लोग को 60 मिला था। तो हम लोग LCM में प्रोडक्ट करते थे ग्रेटेस्ट पावर का, प्राइम फैक्टर्स में जो हम लोग को ग्रेटेस्ट पावर मिलता था वही। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो चीज़ है वो देखते हैं, रीविजिटिंग इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वैसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं, जहाँ कि पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू जीरो के बराबर नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि हो गया रूट टू, पाई, ये सब क्या हो गया, ये सब है इरेशनल नंबर, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। अब हम लोग को इस चैप्टर में हम लोग को प्रॉब्लम आएगा कि प्रूफ कीजिए कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, इस टाइप से देख लीजिए, प्रूफ दैट रूट सेवन इज इरेशनल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे कि रूट टू क्या है, रूट सेवन या फिर रूट टू रेशनल नंबर है, उसके बाद हम लोग को कुछ कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला मतलब गलत होने वाला कुछ स्टेटमेंट मिलेगा, तो उसी से हम लोग उसको प्रूव कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। जैसे कि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं रूट सेवन क्या है, एक रेशनल नंबर है, सिंस इट इज रेशनल, ये रेशनल है इसलिए हम लोग क्या इसको क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, रूट सेवन को पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यही लिखा गया है, ए बाई बी के फॉर्म में लिखा गया है, जहाँ कि ए और बी एक क्या है, एक इंटीजर है, और जहाँ पे उसका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के बराबर नहीं है, और स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हम लोग क्या किए, रूट सेवन को हम लोग ए बाई बी मान लिए, अब इसको स्क्वायरिंग करते हैं तो सेवन इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो गया, ठीक यही दिखाया जा रहा है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन बी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन बी स्क्वायर, हैंस सेवन डिवाइड्स ए, इसलिए क्या होता है सेवन डिवाइड ए कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर सच दैट। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि सेवन जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है, इसलिए क्या हो सकता है हम लोग ए को सेवन के मल्टीपल, सी को सेवन के मल्टीपल के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू सेवन सी, इसीलिए ये क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। देखिए हैंस सेवन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन सी स्क्वायर, हैंस सेवन डिवाइड्स बी, सिंस सेवन इज कॉमन फैक्टर। अब इसमें हम लोग क्या मिल रहा है, सेवन क्या है, सेवन कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर फॉर बोथ ए एंड बी, जो कि हम लोग का एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि हम लोग क्या माने हैं, रेशनल नंबर माने हैं ना, तो हम लोग क्या माने हैं कि ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, जो कि हम लोग का स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो रूट सेवन है वो क्या है, जो हम लोग रेशनल मांगे हैं ये हम लोग का स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसीलिए हम लोग क्या बोल दे रहे हैं कि रूट सेवन हम लोग का एक रेशनल नंबर है। तो इसी टाइप से आपको प्रूव करना रहेगा। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखा सकते हैं, जहाँ पे की पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जैसे कि माइनस वन बाई टू, फोर बाई फाइव, ये सब क्या है, ये सब रेशनल नंबर है। अब इसका दो टाइप होता है, पहला है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है समाप्त हो जाना, जैसे कि थ्री बाई टू, थ्री बाई टू अगर थ्री को हम लोग टू से डिवाइड कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, टू वन जा टू, वन बचा पॉइंट दिए, टू फाइव जा जीरो, टेन, टेन मतलब 1.5 टाइम्स में क्या होगा, ये पूरा पूरी टर्मिनेट हो गया, तो इसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। और जैसे कि अगर 10 को अगर आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 3
3.333 ऐसे रिपीट करते हुए मिलेगा, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो यही दो टाइप है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए, चेक इफ रेशनल नंबर्स इज टर्मिनेटिंग और नॉट। अब हम लोग को सीखना है चेक करने का कि कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो उसके लिए क्या करना है, अगर कोई भी नंबर है उसका डिनोमिनेटर a बाई बी है, ठीक है, तो b अगर 2 × 5 to the power m और n के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, डिनोमिनेटर b इज इक्वल टू वेयर b इसके बराबर अगर रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा जहाँ कि m क्या हो, m और n 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वो टर्मिनेट करेगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो देखिए, जैसे कि इफ a बाई बी इज रेशनल नंबर देन डेसिमल एक्सपेंशन वुड टर्मिनेट इफ बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई, अगर दोनों सेटिस्फाई है, अगर दोनों का जो HCF है मतलब उसके बीच का कॉमन फैक्टर वो 1 होना चाहिए। b कैन बी एक्सप्रेस एज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2/5, मतलब देखिए 2 b इज इक्वल टू 2 to the power, ये रेस टू द पावर है, 2 raised to the power और 5 raised to the power n, वेयर आइदर m और n या तो दोनों भी जीरो हो सकता है या फिर 1, 2, 3 ऐसे नॉर्मल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है। इफ प्राइम फैक्टराइजेशन b कंटेंस एनी नंबर्स अदर देन 2 or 5, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 or 5 के अलावा कोई और नंबर मिलता है तो वो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब रिपीट करेगा। जैसे कि एग्जांपल में 1/40 है, तो अगर हम लोग इसका डेसिमल 40 को अगर एक्सपेंड कर रहे हैं तो 40 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो क्या मिलता है, 2 20 2 10 2 5 5 1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 1 2 3 × 5 to the power 1, तो ये क्या है, 2 × 5 के फॉर्म में है, मतलब ये फिनिश हो गया, देख लीजिए फिनिश हो गया कुछ पॉइंट के बाद। अब देखिए 3/7 को इसी टाइप से कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये लगातार रीअकर कर रहा है, मतलब फिर से आ रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसका जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 है, मतलब ये 7 को हम लोग 7 × 1 लिखेंगे, मतलब ये 2 × 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है, 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो रहा है, रीअकर कर रहा है, फिर से आ रहा है। तो यही था ये चैप्टर में, उम्मीद करते हैं आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा।